और यह सुंदर चकमा और गोल में तब्दील होता हुआ इस समय 1-0 का बढ़त बनाई है केटीएफसी हमीरपुर। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस समय पूर्वी दिशा पर ग्रीन और ब्लू जर्सी पर इस समय मैदान में प्रवेश किए। देर बाद ये पहला शूट आउट होने के बाद आप सबों के बीच रखेंगे दर्शक बंधु। अरे और कॉन्टर आसान देखी दिलों की गली। और इस समय केटीएफसी हमीरपुर की गोलकीपर चार पांच वर्ष हो गया, तीन चार वर्ष हो गया बैठे। और यहाँ पर बिल्कुल जज कर लिए थे गोलकीपर और सीधे पैरों से निकाल दिए हैं गेंद को और इस तरीके से बचाव सुंदर बचाव करते हुए देखना होगा। यहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है गोलकीपर के लिए। बहुत ही शानदार बचाव, चुनौती को स्वीकारते हुए यहां पर उनके लिए गले की घंटी जो बज रही थी उसे उखाड़ फेंकने में सक्षम हुए हैं इस समय। लेकिन अभी भी बाकी है बाकी गोल को दागने के लिए। अब देखना होगा यहां पे कौन ज्यादा गोल दागने में सक्षम होती है और वही टीम विजय श्री हासिल करेगी और अगले मैदान पर अपनी जगह सुनिश्चित करेगी। टाइम ठीक है बोने 6 कर देले 7 रहे सब जगह रहे गोटे पॉइंट लेट हो। फुटबॉल की दुनिया में अगर सबसे दिल की धड़कन को तेज करने वाली जो खेल है वो है पेनल्टी शूट आउट। और यहाँ पे थोड़ी सी आपकी कॉन्फिडेंस अगर अपनी अपलोड कर सांगरे अमर नहीं है वरना बढ़िया लगला फुटबॉल। और ये शानदार गोल केडीएफसी हमीरपुर की ओर से। और यहां पर भी गोल करने में सक्षम हुए हैं खिलाड़ी। और ये इतना शानदार कि गेंद को किक गोल पोस्ट में ना जाकर सीधे हवा में। और ये गोल और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे यूट्यूबर कार्तिक मीन जो आज सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अपनी पहचान बनाए हुए हैं और विभिन्न क्षेत्र में उनको जानते हैं। और आज हमारे इस ऐतिहासिक मैदान इस मयूरभंज यंग क्लब के इस मैदान पर इस पेनल्टी शूट आउट को भले भांति सुंदर तरीके से अपने कैमरे में कैद किए हैं। और इस बीच अगला मैच ग्रुप बी का फर्स्ट राउंड का दूसरा